और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फिरोज आलम हमारे साथ बने हुए हैं। फिरोज, तिरंगा यात्रा की अलग अलग तस्वीरें सामने आई है, मदरसों के बच्चों की भी तस्वीरें सामने आ रही तिरंगा यात्रा को लेकर के। जी, लखनऊ में बड़ी संख्या में जो है, हजारों की संख्या में जो मदरसे के बच्चे हैं उन्होंने आज तिरंगा यात्रा निकाली है और साथ में मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी उनके साथ में, इसके साथ में भाजपा के संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी यात्रा में शामिल हुए हैं। आप देख सकते हैं मंत्री दानिश आजाद अंसारी से भी हम बात कर लेते हैं। सर हमारे साथ में मंत्री जी भी हैं। सर आज शामिल हुए हैं, भव्य यात्रा, तिरंगा यात्रा मदरसों के बच्चों की निकाली गई है। देखिए 10,000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चे आज लखनऊ की सरजमीन पे आए, तिरंगा यात्रा निकाली। टोपी और तिरंगा केवल लखनऊ की सरजमीन पे यही दिखा। सबके जबान पे मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे थे। अपने समाज को आगे ले जाना, मुस्लिम समाज को सशक्त करना, उनको शिक्षित करना, इनके नौजवानों को बेहतर भविष्य जोड़ना, ये हमारा एजेंडा है और ईमानदारी से इस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तमाम सर हमने देखा कि हजारों की संख्या में तैयारियां भी चल रही थी और वतन के गीत भी बच्चों को तैयार। यही खूबसूरती है हमारे वतन की। ये हमारा गंगा जमुनी तहजीब का वतन है और हमारे जो मुस्लिम बच्चे, इनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत एनर्जी है। इनके एनर्जी को हम बहुत ईमानदारी से सकारात्मक दिशा में आगे ले जा रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से भी आपने आह्वान किया कि हर घर तिरंगा अभियान में भाग ले। निश्चित तौर पे हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों से हमने आह्वान किया, खासतौर पर नौजवानों से। हर घर तिरंगा अभियान जो मोदी जी और योगी जी ने 13 से 15 अगस्त का ये आयोजन किया, उसमें बढ़ चढ़ के हम सब हिस्सा। 15 अगस्त को क्या तैयारी? मतलब पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के हर मदरसों में हम पहले से मनाते हैं, इस बार और धूमधाम से मनाएंगे 15 अगस्त। चलिए बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा, ये मंत्री दानिश आजाद अंसारी थे जिन्होंने कहा कि 15 अगस्त भी हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। जिस तरीके से ये यात्रा में आपने देखा कि पूरे लखनऊ भर के तमाम हजारों की संख्या में बच्चे शामिल हुए। आप देखिए तस्वीरों में आपने देखा होगा कि तमाम जो मदरसे के बच्चे थे वो इस यात्रा में शामिल हुए थे। तो ये दिखता है साफ तौर पे कि कहीं ना कहीं वतन परस्ती का जो पैगाम है वो मदरसे के बच्चे भी किसी से पीछे नहीं है और वतन परस्ती का पैगाम देते हुए इस यात्रा में। बिल्कुल फिरोज, आपके आसपास बहुत से लोग नजर आ रहे हैं, अगर उनसे भी बात करें इस यात्रा को लेकर के, इस बार के 15 अगस्त को लेकर के और जिस तरीके से तिरंगा यात्रा हर जगह से निकाली जा रही है, इसको लेकर के उनकी भी राय जाने। जी, बहुत से लोग इस यात्रा में देखे शामिल हुए हैं। हम कुछ लोगों से भी और भी बात करेंगे। आप देखिए मदरसे के लोग हैं, बड़ी संख्या में जो बच्चे यहाँ के ऊपर हैं वो निकाले, लोगों ने रैलियां यहाँ के ऊपर निकाली हैं। और हजरतगंज, ये लखनऊ का मुख्य चौराहा है हजरतगंज, वहाँ पे कुछ लोग आप भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं, बड़ी यात्रा निकाली गई है, क्या कुछ कहेंगे? ये यात्रा बहुत शानदार रही, कम से कम मदरसे के 10,000 बच्चे रहे होंगे इसमें शामिल और काफी लखनऊ के में काफी बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। बता रहे हैं कि इस यात्रा में मतलब अल्पसंख्यक समुदाय के जितने भी घर हैं, हर घर तिरंगा में भाग लेने को बोला है, हर घर पे झंडा लगाया जाएगा इस अभियान में। जी, इस बार तो पिछली बार से ज्यादा देखने को मिल रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि मदरसे के जो छोटे छोटे बच्चे बड़ी तादाद में यहाँ सुबह से हजरतगंज चौराहे पर जमा हैं और एक कसीर तादाद में इन्होंने इस आह्वान को पूरा किया है तिरंगा यात्रा को। तो आप देख रहे हैं कि मतलब इन लोगों का कहना भी है कि अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोग भी हर घर तिरंगा में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और इस अभियान में सब लोगों ने अपने अपने घरों पे तिरंगा लगाया है और अपनी अपनी फोटो खींच के सेल्फी भी लगाने का काम लगातार कर रहे हैं। सीमा, बिल्कुल, और ये तस्वीरें खुद भी बहुत खास हो जाती है और जिस तरीके से मदरसों के बच्चे हो, स्कूली बच्चे हो, हर किसी के द्वारा इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया जा रहा है, ये तस्वीर खुद में खास है। हालांकि अब इस बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात कर ली जाए तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है कल को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के इस यात्रा में भी अगर हम बात करें तो कड़े इंतजाम देखे गए, लगातार ड्रोन से भी जो है निगरानी की जा रही थी। तमाम पुलिस के जो बड़े अधिकारी थे वो भी इस यात्रा में सुबह से शुरू हो गए थे, जहां जहां यात्रा निकलनी थी उस पूरी रोड के ऊपर जो है पुलिस का कड़ा जो है निगरानी थी, लगातार ड्रोन से भी निगरानी की जा रही थी। और 15 अगस्त को लेकर तो भव्य तैयारियां यहाँ सुरक्षा से लेकर कर दी गई है। जो भी संवेदनशील इलाके हैं उन इलाकों को भी बाकायदा जो है पूरी तरह से उन इलाकों पर ड्रोन से नजर की जा रही है, अलग अलग टीम बना दी गई है और खुद कंट्रोल रूम से जो है उसकी निगरानी की जा रही है, सोशल मीडिया के लिए अलग सेल बना दी गई है। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम राजधानी लखनऊ में देखे जा सकते हैं। सीमा, चलिए आपका बहुत शुक्रिया फिरोज, तमाम जानकारी और अपडेट साझा करने